सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। हम प्रभु यीशु मसीह को एक मित्र समझते हैं, उद्धारकर्ता समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सिर हैं। जब हम इफिसियों 1:22-23 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहर कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और वह कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रेरितों के काम 3:14 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र और धर्मी है। वे हमारे पापों के कारण घायल किए गए और हमारे पापों के कारण उन्होंने मृत्यु को सहा। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और गवाही के बारे में बताना है, ताकि सब बचाए जाएं और हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही सबका न्याय करेंगे, इसलिए सबको मन फिराव करना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। जब हम 1 तीमोथियस 6:15 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वितीय अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सब में श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम ज्योति में चलते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:12 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनका पीछा करते हैं, तब हम ज्योति में चलते हैं और पाप से बचे रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर हैं और 100% मनुष्य हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:27 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको पता चलता रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।